तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा उन लोगों के लिए जो साइंस के प्रति रुचि रखते हैं, ठीक है, और टेंथ में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चुंबक शब्द की उत्पत्ति के बारे में पहले जानते हैं, चुंबक या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है तो पहले चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबक क्या होता है? चुंबक शब्द की उत्पत्ति यूनान का एक द्वीप मैग्नेशिया से हुआ था। ये जो उत्पत्ति है ना, वर्ड की उत्पत्ति भी होती है, चुंबक मैग्नेशिया से हुआ था। मैग्नेशिया में एक विशेष प्रकार का पत्थर मैग्नेटाइट से चुंबक की उत्पत्ति हुई थी। मैग्नेटाइट वही मैग्नेटाइट है जो लोहा का अयस्क होता है। हीमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीन अयस्क है लोहा के जिससे देखिए तो सब चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक तो वैसा पत्थर या वैसा पदार्थ जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि जैसे पदार्थों को आकर्षित एवं विकर्षित करने का गुण मौजूद हो, वैसे पत्थर को चुंबक कहा जाता है। मतलब वैसा पत्थर जिसमें यह गुण हो कि लोहा, कोबाल्ट और निकेल जैसे पदार्थों को वो आपस में वो खींचता हो या उसको धक्का देता हो। आकर्षण माने क्या होता है? खींचना, अपने तरफ खींचने को कहते हैं आकर्षण। अभिकर्षण का मतलब अपने तरफ से दूर भगाना। अगर किसी पदार्थ में ये गुण है कि इन तीनों चीजों को खींचता हो या धकेलता हो तो हम कहेंगे वह पदार्थ जो है ना चुंबक है। मतलब ये चुंबक है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम यहाँ पर लोहा ले आएंगे और यहाँ पर रखेंगे। अगर ये लोहा को चुंबक सटा ले रहा है अपने आप में, सट रहा है इसमें, तो हम कहेंगे इसमें ये चुंबक है। ये चुंबक नहीं तो लोहा है, ये चुंबक है। और अगर हम लोहा लाए और उसको भगा भी रहा है तो हम कहेंगे चुंबक है। सटाए या भगाए, आकर्षण हो या विकर्षण हो, तब ये चुंबक है। और इससे लोहा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना सटा रहा है, ना खींच रहा अपनी तरफ और ना धक्का दे रहा है, तब कहेंगे चुंबक नहीं। मतलब चुंबक को चेक करने का तरीका यही है। आप ऐसे भी कह सकते हैं वैसा प्राकृतिक पदार्थ, पत्थर नहीं बोल के बोल सकते, वैसा प्राकृतिक पदार्थ जिसमें लोहा, निकेल या कोबाल्ट इत्यादि को आकर्षित करने का या विकर्षित करने का पावर हो, गुण हो, उसे हम चुंबक कहते हैं। अब बात करते हैं क्या चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आकर्षण का गुण, क्वालिटी ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसके अंदर चुंबक के अंदर एक आकर्षण का गुण होता है। क्या चीज होता है? देखिए चुंबक में आकर्षण के गुण पाए जाते हैं। ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके बारे में यूनान वासियों ने कहा था, मतलब सबसे पहले यूनान के लोगों ने यह कहा था कि चुंबक वैसा पदार्थ है जो इन सब चीजों को अपने तरफ खींच लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? विकर्षण का गुण, क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये क्या कहता है विकर्षण का गुण? जब दो चुंबक के समान ध्रुव को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो दोनों के बीच विकर्षण या उसी को प्रतिकर्षण कहते हैं, प्रतिकर्षण होता है। इसके बारे में यूनान वासियों ने ही बताया था, तो यूनान वासियों ने ही बताया था कि आकर्षण क्या है और विकर्षण क्या है। अब थोड़ा सा आपको हम बता दें कि चुंबक में ये क्या ध्रुव क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, चुंबक जो होते हैं ना उसमें दो ध्रुव होते हैं। ये चुंबक है, इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक बोलते हैं एन और दूसरा को बोलते हैं एस। एन मतलब होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, नॉर्थ का नो एन होता है, इस एन लिखते हैं। ऐसे बोलते हैं साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं और इनमें क्या गुण होता है देखिएगा। अगर आप नॉर्थ के बगल में ही नॉर्थ रखिएगा तो एक दूसरे को धक्का देगा, समान वाला धक्का देगा आपको नॉर्थ के बगल। मानेंगे अगर दूसरा चुंबक हम ले लिएगा, और चुंबक यहां पर हम ले लिए, एक चुंबक और ले लिए हम यहां पर, इसका एन है यहां पे, चल जाइए ऐसे बनाते हैं हम आपका, ये चुंबक है, इसका एन है आइलन, इसका भी एन आइलन है, इसका ये इधर है, इसका ये इधर है, तो आजू बाजू में किसका एन एन है, तो एन एन है तो इस दूसरे को धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, सटेगा नहीं एन, ठीक है। अगर यहां पर एस है, यहां पर एस है और यहां पर भी क्या है एस है, एन ए कारी क्या है एन, एन ए कारी क्या है एन, तो भी ये एस एस बगल में आ गया तो ये धक्का देगा, ये मतलब विकर्षण होगा, क्या होगा विकर्षण, धक्का देगा ये।
कब खींचेगा, जब इधर एन रहेगा, क्या रहेगा इधर एन। अगर एक चुंबक में इधर एन है और इधर का ई वाला चुंबक में इधर एस है, दोनों बगल में रहेगा, तो ई इसको खींचेगा और ई इसको खींचेगा, सेम टू सेम, याद कीजिए आवेश की तरह, प्लस प्लस माइनस माइनस आपस में क्या करते हैं विकर्षण, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस वाला क्या करते हैं दूसरे को खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होता है। अगर अलग अलग रहेगा तो खींचेगा और एक जैसा रहेगा तो धक्का देगा, ठीक है ना। खींचना को कहते हैं आकर्षण और धक्का देने को बोलते हैं विकर्षण, विकर्षण को प्रतिकर्षण भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, दोनों का खोज किसने किया था, यूनान वासियों को जाता है श्रेय, क्योंकि यूनान वासियों ने ही पहले ये सब बताया था। अब चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, दिशात्मक गुण क्या होता है, इसमें तो दिशात्मक गुण भी होता है, चुंबक दिशा भी बताता है। आप पढ़े होइएगा जब भौगोलिक खोज हो रहा था तो उसमें जो दिशा सूचक यंत्र था उसमें चुंबक के सहारे ही पता लगाया जाता था कि किस तरफ कौन दिशा है ना, क्योंकि हमारे पृथ्वी में भी एक चुंबक होता है, हमारा पृथ्वी ऑलरेडी एक चुंबक ही है, और आपको जानकर हैरानी होगा कि हमारे शरीर में भी एक चुंबक ही होता है, हमारा शरीर भी एक चुंबक की तरह काम करता है, समझे ना, शरीर ही चुंबक है और हमारी धरती भी चुंबक है, और चुंबक और भी सारे बहुत सारे चुंबक होते हैं, मैग्नेट कहते हैं जिसको। तो इसके अंदर क्या दिशात्मक गुण भी होता है, एक गुण क्या था, पहला गुण था आकर्षण करने का गुण, दूसरा विकर्षण करने का गुण, और तीसरा क्या दिशात्मक दिशा बताने का गुण। क्या होता है देखिएगा, जब छड़ चुंबक को एक स्टैंड के सहारे लटकाया जाता है तो यह चुंबक हर स्थिति में उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में आकार विकसित हो जाता है, यह इसका दिशात्मक गुण है। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि जब एक चुंबक को धागा में बांध के स्टैंड में लटका देंगे, धागा में बांध दिए, ऐसे ये हमारी चुंबक है, इसको ई है नॉर्थ पोल, ई है पत्र का साउथ पोल, ई एन है और ई क्या है एस है मान लेते हैं, तो इसको क्या कि हम धागा लटका के स्टैंड के सारे लटका दिए छोड़ दिए और घुमा के छोड़ दिए, तो ये क्या घुमा के छोड़ेंगे ना, तो ये अपने आप नॉर्थ जो है ये उत्तर की तरफ हो जाएगा रुकेगा, और साउथ दक्षिण की तरफ रुकेगा अपने आप, इतने पर रुकवे करेगा वो, आप कतनों ना चाह दीजिएगा घूमेगा रुकेगा ऐसे ही है, नॉर्थ मतलब ये उत्तर इधर है ना, तो नॉर्थ इधर ही घूमेगा वो, एंड पोल है नॉर्थ पोल है तो उत्तरे की तरफ घूमेगा ही, ऐसे साउथ पोल दक्षिण की तरफ है, कतनों घुमाने के बाद वो अपने छोड़ दीजिएगा अकेले तो वो ऐसे ही घूम के रहेगा वो, है ना। ये इसका दिशात्मक गुण है, क्या है दिशात्मक गुण, चुंबक में तीन गुण हो गए। अब बात करते हैं चुंबक होते कितने प्रकार के हैं, इसके भी तो प्रकार होंगे, वह एक वह चुंबक होगा जिसको मन नेचुरली पाया जाता होगा गॉड गिफ्टेड, दूसरा हुआ होता है जिसे हम बनाते हैं। देखिए तो पहला जो चुंबक है उसको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, क्या कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, ये क्या होता है जानने समझिए इसको, सभी चुंबकों को जानना है कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो चुंबक का प्रकार है वो है प्राकृतिक चुंबक, जिसे कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल एकदम प्रकृति द्वारा प्राप्त मैग्नेटाइट नामक पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, यह प्रकृति द्वारा प्रदान होता है प्राप्त होता है, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये मौजूद होता है हमारे पर्यावरण में, इसमें आकर्षण एवं विकर्षण का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, इसमें ज्यादा अट्रैक्ट करने का और धकेलने का पावर नहीं होता, इसमें ज्यादा पावरफुल वो नहीं है, भगवान का बनाया हुआ है बट वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। दूसरा होता है छड़ चुंबक, छड़ चुंबक क्या होता है, इसका आकार के आधार पर है, इसमें दो होता है, वो प्राकृतिक चुंबक एक होता है कृत्रिम चुंबक, इसको समझने के बाद पहले आप ही समझ लीजिए तब उसको पढ़ाएंगे आपको। दूसरा होगा कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक में की सहायता से बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं कृत्रिम चुंबक कहा जाता है, इसे मानव निर्मित चुंबक भी कहा जाता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया चुंबक, इसमें आकर्षण एवं विकर्षण का गुण सबसे ज्यादा होता है। ये क्या है प्राकृतिक चुंबक जो भगवान द्वारा बनाया गया है, नेचुरली पाया जाता है, इसमें पावर थोड़ा कम होता है, आप ही घबराइएगा नहीं, भगवान बने लेते पावर कम है होता है, इसमें कम गुण है, भगवान जो बनाए हैं उसमें तीखा कम हो सकता है, इंसान मिर्ची डाल के ज़्यादा तीखा बना दे ना हो सकता है, नहीं समझे कि नहीं, आप जैसे दीवार का रंग कैसे खूब पेंट मार मार के खूब लाल कर दे ना हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि भगवान जी कमजोर हो गए हैं और इंसान मजबूत हो गया, ऐसी बात नहीं है, भगवान तो भगवान है, दो मिनट में खत्म कर सकते हैं दुनिया को, चुटकी में खत्म हो सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक वह हो गया जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो और इसमें आकर्षण विकर्षण का गुण कम होता है, और कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, वैसा चुंबक होता है जिसको प्राकृतिक चुंबक की सहायता से ही बनाया गया, इसी को उसी की सहायता से बनाया गया है, परंतु इसमें ज्यादा गुण होता है, किसका आकर्षण करने का और विकर्षण करने का, दोनों गुण ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब बताती है कि अब आकार के आधार पर भी चुंबक कई आकार के होते हैं, तो उसी के आकार के आधार पर भी बांटा गया है, आकार के आधार पर भी चुंबक के प्रकार होते हैं, इसमें पढ़ना है हम लोगों को छड़ चुंबक, क्या पढ़ना है
क्षण चुंबक यानी कि रड मैग्नेट, क्या रड मैग्नेट, वैसा चुंबक जो क्षण के आकार का होता है उसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव आसानी से अनुभव किया जा सकता है, उसे क्षण चुंबक कहा जाता है। इसे अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विशेष अध्ययन इस विषय में हमको आगे करेंगे, इसी का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। क्षण चुंबक, सीधा बात समझिए, कोई पूछे कि क्षण चुंबक किसे कहते हैं, तो वैसा चुंबक जिसका आकार क्षण की तरह, उसे क्षण चुंबक कहते हैं, ज्यादा नहीं बताना इसमें। वैसा चुंबक जिसका आकार क्षण की तरह हो, क्षण मतलब रड, रड की तरह हो, क्षण जैसे ये सब क्षण है वैसा हो, उसको क्या कहते हैं, क्षण चुंबक। इसमें सीधा बात होता है, नॉर्थ पोल होता है एगो, क्या होता है साउथ पोल, दो गो पोल होता है, आसानी से पता लगा सकते हैं इसमें। इसको लटका के छोड़ दीजिएगा, जो नॉर्थ उत्तर की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो दक्षिण की तरफ होगा वो साउथ पोल होगा। ऊपर लिखल नहीं रहता है, आपको हम चुंबक दे दिए, पर लिखल नहीं है नॉर्थ पोल के साउथ पोल, बस लटका के इधर धागा में बांध देंगे, लटका के छोड़ देंगे ना, चाहे इधर इधर नॉर्थ की तरफ रुक गया तो समझ जाएंगे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो उत्तर की तरफ जाएगा नॉर्थ पोल, और उसको हम लिख लेंगे एन एस लिख देंगे। हम कहीं जाएंगे तो हमको पता करना उत्तर किधर का ही है, तो बस लटका के छोड़ देंगे घुमा के, और देखा अच्छा इधर नॉर्थ इन्हें कर उत्तर जा रहा है, इन्हें जा रहा हूँ मतलब उत्तर इन्हें हो इन्हें करी, इसको कहते हैं कंपास, दिशा सूचक यंत्र बनता है इसी से, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये तो छड़ चुंबक हो गया, और भी आकार के होते हैं, तो हाँ होते हैं ना, नाल चुंबक। एक्चुअली क्या होता है, घोड़ा का जो पैर होता है ना, पैर में पैर न खियाए, पैर न खियाए, इसके लिए नीचे लगाया जाता है लोहा का नाल, क्या होता है नाल, अब जानते हो घोड़ा के पैर में कट हो जाता है घोड़ा का नाल, क्यों, क्योंकि घोड़ा चलता है ना, तो उसका पैर का खूर खिया जाएगा ना, तो फिर उसको दर्द होगा, बेचारा चल नहीं पाएगा, इसीलिए उसको क्या करता है, खूर जो होता है पांव, उसके खूर में लोहा का पत्ती ठोक देता है, जैसे हमने चप्पल पहने हुए ना, उस प्रकार लोहा का पत्ती ठोक देता है ताकि खूरवा खियाए ना, और लोहा का खूर ऐसे रख के ऐसे ऐसे ऐसा खूर रहेगा ऐसे, और उसमें ठोक देगा पत्ती, ऐसा ऐसा पत्ती ठोक देगा, क्या लगे, ताकि पत्ती ठोका लगेगा ना, तो इसको धर के कवर में धर के कांटी से पैर में खून में ठोक देता है, दर्द भी करता होगा बेचारा को, खून में ठोकेगा तो नहीं, अब कोई लड़की को नाक छेदा करना छेदा दर्द नहीं करता है, नहीं तो करता ही, उसी प्रकार से इसको जैसे कि अब बच्चे में छेदा लिया था कम दुखाएगा, बाद में तो जुआने के बाद ज़्यादा दुखाएगा, उसी प्रकार से बेचारा को घोड़वा में ठोक देता है, क्या लगे उनको नलवा में रख के ठोक दिया, आराम से कांटी से रख के ठोक देता होगा, और ठोका गया था उनका पैर सुरक्षित रहेगा, नहीं खियाएगा जल्दी, बहुत दिन तक घोड़ा चलेगा दौड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से नाल होता है, जो कहते हैं नाल, क्या कहते हैं नाल, घोड़ा का नाल जो होता है शनि ग्रह से बचने का उपाय होता है, घोड़ा का नाल की अंगूठी लोग पहनता है, होता है ना, सुने होइएगा, चलिए घोड़ा का नाल जो होता है ना, ये जो होता है काले घोड़े का नाल, वो शनिदेव से बचाता है शनि ग्रह से। चलिए तो ये जो घोड़ा का नाल की तरह होता है उसे कहते हैं नाल चुंबक, क्या कहते हैं नाल चुंबक, हॉर्स शू घोड़ा का जूता वाला मैग्नेट, वैसा चुंबक जो घोड़ा के जूते के आकार का, घोड़ा का जूता कौन सी होता है नाल होता है, है ना, तो क्या कहता है, वैसा चुंबक जो घोड़े के नाल की तरह होता है उसे क्या कहते हैं नाल चुंबक कहते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं, इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहता है, इसमें भी एन होते हैं और इसमें भी एस होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, चलिए यही नाल चुंबक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ विशेष। अब क्या है नाल चुंबक, जो नाल चुंबक पढ़ रहे हैं वो कैसा है, चित्र देख सकते हैं, चित्र देखें, चित्र देखिए, लिए एन है और ये एस है, नाल घोड़ा के नाल की तरह है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, कहा क्या नाल चुंबक में दिशात्मक प्रयोग नहीं किया जाता, नाल चुंबक का प्रयोग दिशात्मक रूप से नहीं किया, दिशा पता करने के लिए नहीं किया जाता, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरण में जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया, जनरेटर हो गया, उसमें किया जाता है। नाल चुंबक का प्रयोग मतलब दिशा पता करने के लिए कंपास में नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत मोटर बनाने के लिए, जनरेटर जनित्र माने जनरेटर बनाने के लिए, कैसे होता है इसे भी बनाएंगे हम लोग, विद्युत मोटर बनाएंगे, विद्युत जनरेटर बनाएंगे, कैसे बनता बनाना सीखेंगे हम लोग, कैसे काम करता है वो भी सीखेंगे इसी चैप्टर में। फिर विद्युतीय बहुत सारा मतलब और भी उपकरण होते हैं जहाँ पे चुंबक लगता है वहाँ वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखते होइएगा स्पीकर जो बनाता है उसमें गोल चुंबक होता है, गोल रहता है ना चुंबक लगा हुआ, वो भी नाल चुंबक ही है, क्या है नाल चुंबक। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, चुंबक क्षेत्र क्या होता है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है, इस तरह समझ गया कि चुंबक भैया चार प्रकार के पढ़े आप, एगो उपस्थिति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो गो, आकार के आधार पर दो गो, प्रकृति के आधार पर दो गो था, एगो था प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्राकृतिक चुंबक, और दूसरा था कृत्रिम, कृत्रिम माने आर्टिफिशियल जो प्राकृतिक चुंबक से ही बनाया गया था। फिर पढ़े आप क्या नाल चुंबक,
जो नाल घोड़े के नाल की तरह होता है, क्षण चुंबक जो क्षण की तरह आकार का होता है ना। चलिए तो हो गया चुंबक के प्रकार। अब ये पढ़ना है कि चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जब क्षेत्र पढ़ा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, हम आपको बताते जा रहे हैं बार बार, जब आग के नजदीक होता है उष्मीय क्षेत्र, आग के नजदीक उष्मीय क्षेत्र, विद्युत आवेश के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय आवेश कभी पढ़े नहीं, इसे पहले पढ़े नहीं पढ़े हम लोग, हम शुरुआत किए थे बताया थे विद्युत आवेश रखेंगे, इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनेगा, विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा, विद्युतीय क्षेत्र। तो उसी प्रकार से एक चुंबक अगर रखेंगे तो चुंबक के चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो चुंबक की ओर पाए जाने वाले क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब पढ़िए इसको क्या होता है, परीक्षा में पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, चुंबक के चारों ओर उपस्थित वैसा क्षेत्र जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। सीधा बात है, किसी को मूर्ख को भी समझाना हो अगर तो हम समझा सकते हैं, अभी नहीं कहीं मूर्ख को क्यों समझाएं, अरे भैया हमारे जिंदगी में बहुत ऐसे लोग पल्ले पड़ते हैं जो मूर्ख को समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सामने है, इनमें से ज़्यादातर लोग तो मूर्खे होता है जो जवाब नहीं देते। कल हम पूछेंगे चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, हाथ उठाइए, हम ऐसे ताके गा जैसे कि किडनी हम उसको मांग लिया हूँ, किडनी फ्री में दे दे, बताओ ये ऐसे ताकेगा, मैंने रिकॉर्ड किया ना चेहरा पर, देखिए बड़ा अजीब लगेगा, कौन तो ऐसे क्लास में देखेगा हम देखाइए नहीं है, बड़ा अजीब लगेगा। बताइए चुंबक अभी पढ़ा दिया, प्रकार किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ा दिया, कल होकर पूछे हम वही जगह पूछे हैं तो हमको नहीं पता है, लिखे कहाँ थे बोलूँ, अजीब हाल है, लिखने के बाद भी याद नहीं है, जो लिखे वो याद है, देखे ना पहले लिखने के बाद ही पूछेंगे, चलिए शादी के बाद पूछेंगे, ठीक है तब जवाब तो दीजिए, शादी के बाद ही पूछेंगे, चलिए लिखो लिया तब। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र समझाना अगर है तो सिंपल सी बात बताएंगे क्या, कि चुंबक के चारों ओर पाए जाने वाले क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ को अगर लाएंगे तो उसमें आकर्षण या विकर्षण अनुभव करेगा, ठीक है ना। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए अब तो समझ गए, भाई चुंबक रख दिए, वो चुंबक रख दिए तो चारों तरफ क्या बन गया, इसके चुंबकीय क्षेत्र बन गया, इसके चारों तरफ बन गया, चुंबकीय क्षेत्र दिखाओ, तो दिखाने के लिए बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्या बनाया गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अगला टॉपिक हम लोग का यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहिए या चुंबकीय बल करा क्या, यह एक ऐसा बंद वक्र पथ है जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। मतलब वैसा बंद वक्र, बंद वक्र का मतलब क्या होता है, बंद माना होता है खुले और जाए तो फिर खुले और बंद भी हो, क्या हो, जैसे एन की तरफ से निकले और यहां पे जाके बंद हो जाए, वक्र इसको क्या कहते हैं, बंद, क्योंकि यहां से निकला और यहां से घुस गया तो बंद हो गया। और वक्र माने होता है क्या, टेढ़ा हो, और चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जो दिशा को बताता हो, और दिशा क्या होता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, समझ गए ना, इधर भी होगा नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ एन है और ये एस है, तो नॉर्थ से निकला इसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। अब आपसे ये प्रश्न पूछते हैं तो जवाब खट से दीजिएगा कि भैया चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर किधर से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से, किधर से निकलती है, किधर को जाती है, तो एक तो बात समझ में आ गया, तो इससे दिशा पता चलता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तरफ जा रहा है ना, हमेशा ऊपर चाहे नीचे, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण भी तो होंगे ना, कौन कौन से गुण हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है ये, इसको ध्यान से समझ लीजिए कौन कौन से गुण है, इसको देखिए। तो अगला टॉपिक हम लोग का यही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कौन कौन से गुण होते हैं, पहले हम एक चुंबक बना लेते हैं ताकि गुण बताएं तो आपको समझाएं भी, ये चुंबक है और ये कौन सा चुंबक है बताइए तो प्राणी, क्षण चुंबक है ना, कौन चुंबक है, क्षण चुंबक, एन है और ये क्या है, एस। चुंबक का चित्र एकदम आसान है, बना लीजिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कौन कौन से गुण होते हैं वो समझिए, पहला नंबर गुण क्या है, यह बंद वक्र पथ बनता है, यह बंद वक्र पथ बनाता है, इसका मतलब क्या है, अगर ये निकला है तो ये जाएगा भी इसमें, ये बंद वक्र पथ बनाता है, राइट, चल जाएगा,
दूसरी नंबर बात, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर एक निकला हुआ है गया हुआ है तो दूसरा अगर निकलेगा तो एक दूसरे को काटेगा नहीं, कभी टच नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, अगर इधर से निकल रहा है तो निकले मगर काटेगा नहीं एक दूसरे को, निकला इधर से नियन की तरफ से और इसमें चला गया, फिर निकला निकला है तो ये एक दूसरे को काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। और निकालते हैं, एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। ऐसे जाता है, समझ में आ गया। दूसरा तीसरा नंबर गुण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के ओर एवं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होती है। मतलब चुंबक के बाहर किधर से किधर है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के अंदर। देखिए उत्तरी ध्रुव से निकला इसे और गया कहां पे? दक्षिण ध्रुव। और अंदर में कैसे है? दक्षिणी से लेकर अंदर में क्या जा रहा है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, अंदर में चुंबक के अंदर। बाहर वाला याद रखिए, बाहर वाला पूछता है बाहर किधर से आता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, फिर राउंड सर्किल ऐसे, समझ में आ रहा है ना? हाँ ऐसे होता है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा को आप समझ गए। ये तीन गुण याद रखिएगा कि यह बंद वक्र होता है, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटता है, और यह बाहर में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है, और अंदर में दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है। और एक चीज और जानिए, चौथा गुण यह होता है, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्यादा होता है घना, वहां पे उसका बल भी ज्यादा होता है। यहां पे घना है, यहां पे घना है, तो चुंबकीय बल यहां पे ज्यादा होगा, चुंबकीय बल यहां पे ज्यादा होगा। यह चौथा गुण है, यह भी समझ लीजिए। चौथा गुण क्या है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा वहां पे चुंबकीय बल क्या होगा? बोलिए क्या होगा? ज्यादा होगा। चुंबकीय बल जो होगा यहां पर ज्यादा, तो ध्रुव पर यहां पे बल ज्यादा है, और बल कहां पे ज्यादा है? यहां पे घना है ना, तो यहां पे भी बल ज्यादा होगा, और यहां पे कम कम है तो बल क्या होगा? चुंबकीय बल कम होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है, चुंबक में सबसे अधिक बल कहां होता है? तो ध्रुवों पे होता है। कहां पे होता है? उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिण ध्रुव पे बल ज्यादा होता है, और अलग जगह पे थोड़ा कम होता है, क्लियर। और जितना दूर जाएंगे उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उतना फैली फैली से हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा घना होगा, समझ आना कि बल यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, ठीक, समझ में आ गया। तो चार गुण को आप पढ़े हैं, अब यही चीज हम कल आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कितने गुण होते हैं बताइए, तो इसमें से दुइयों को बता दिए, तीनों को बता दिए। हाँ लड़का सुनित रहा क्लास में, कान हाई मतलब, तो कन्फ्यूजन होने लगता है कान भी है कि ना है। कान नहीं है, दो कान है भाई, फिर भी दिक्कत है। भगवान जी दो कान दिए, इधरों से घुसे इधरों से घुसे, मगर क्या करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। अब है ऑस्ट्रेट साहब का प्रयोग क्या था भैया? ये ऑस्ट्रेट साहब कौन थे और इन्होंने क्या प्रयोग किया, एक बार सुनिए। ऑस्ट्रेट साहब एक भौतिक शास्त्री थे। ऑस्ट्रेट का जन्म 1777 ईस्वी में एवं मृत्यु इनका हुआ था 1851 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? चुंबकीय क्षेत्र रेखा से संबंधित 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया, यानी मरने से 31 साल पहले वो प्रयोग किए थे। क्या किए थे प्रयोग, वो प्रयोग को जानते हैं। चलिए नीचे लिखा हुआ क्या क्या बताए थे? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द यानी कि उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र कहा। ऐसा बात जब इन्होंने बोला पूरे दुनिया में हलचल मच गया, क्योंकि तो पूरी दुनिया को यह बात 1820 ईस्वी से पहले पता नहीं था। 1820 ईस्वी से पहले, इनको बताने से पहले किसी व्यक्ति को दुनिया में यह पता नहीं था कि जब एक चालक से विद्युत धारा जा रही है, यानी यूं कहे कि एक तार से जब करंट जा रही है तो इसमें चुंबकीय गुण होता है, यह चुंबक की तरह काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह चुंबक बन जाता है, ये किसी को पता नहीं था। ऑस्ट्रेट साहब ने जब कहा
तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया सबूत मांगती है। कहने से यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सुनने से यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ प्रूफ मांगता है कि प्रूफ करके दिखाओ। सीधा बैठिए, तो मान लीजिए तो खोली देखे किया, प्रूफ मांगती है। दुनिया की आदत होता है कि प्रूफ तो भैया हम मान लेंगे, तुम कहें हम मान लेंगे। अभी कहती छोड़ दिया, नहीं खोलेगा था, हो गया खोल, उतने ना दिए, हो गया। दुनिया क्या प्रूफ मांगती है भैया, कि हमको प्रूफ करके दिखाइएगा तभी ना मानेंगे भैया। आप कह दिए माने, साइंस में हम लोग ऐसे मान लेंगे ना, प्रूफ दीजिए। तो ऑस्टेड ऑस्टेड साहब ने एक प्रयोग किया और प्रयोग के माध्यम से पूरे दुनिया को दिखाकर हैरान कर दिया कि ऐसा है और प्रूफ दे रहे हैं। और उन्होंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, काश आप किए होते हम किए होते तो हम लोग का इतिहास में नाम होता, 1820 में आकर प्रयोग किए होते। खैर छोड़िए, अभी तो आप जी रहे हैं 2024 में, बहुत आगे निकल चुके हैं, है ना। आज के युवाओं को क्या कहें, फुर्सत मिले तब ना कि सब करेगा। और भी बिहार के बंदे, मोबाइल मोबाइल मिलेगा तो पबजी ना खेलेगा, अजीब हाल है, वैसे बच्चे होते हैं, क्या करिएगा। आप कहिएगा साफ पुरखा तक प्रयोग करके चल गए खोज खाज के, हम कहते खोजू, वो दिमाग में आता है, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है सब कुछ का खोल करके चल गए ऊपर, उसे हमारा लगा पते बचल रही, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ है जिनका खोज अभी नहीं हुआ, बहुत ऐसा चीज़ है ना। क्या आप अभी ऐसा खोज हुआ है कि पेट्रोल से नहीं चल के पानी से चले, खोज हुआ तो क्या सब लोगों के पास है। क्या आदमी को गायब होने वाला मशीन जो है खाली हॉलीवुड मूवी में देखते हैं, क्या रियल में देखते हैं किसी को, वही तो खोज आ सकता है। क्या आदमी जब चाहे तब जब मन हो उसके हाथ में ऐसे बटन टीपे आराम से उड़ने लगे, ऐसा भी तो खोज हो सकता है। बाकी है ना खोज, है बहुत सारा खोज बाकी है, है ना। आदमी का आँख जैसे दो गो यहाँ है दो गो इधर लगवा दे, ऐसा भी तो खोज हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आदमी का नाक यहाँ से हटा के यहाँ लगवा दे, तो खोज बहुत पहले हो चुका है मगर जनसाधारण के लिए नहीं। बहुत सारा खोज बाकी है, बहुत सारा खोज, बहुत सारा खोज अभी बाकी है दुनिया का, ऐसा नहीं होता है। चलो फिर बात करते हैं, चलिए इन पे बात करते हैं, इन्होंने क्या प्रयोग किया। तो पहले नंबर बात क्या है कि तुमसे पूछेगा ऑस्टेट का प्रयोग से क्या समझते हैं, तो जवाब दीजिएगा। ऑस्टेट साहब ने यह बताया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह एक चुंबक की भांति काम करता है, इसे ऑस्टेट का प्रयोग कहते हैं और ऑस्टेट साहब का नियम कहते हैं। और इस नियम को उन्होंने सिद्ध किया, कब किया, 1820 ईस्वी में किया। तो कैसे किया उसको देखते हैं हम लोग। उन्होंने क्या किया, सिंपल से कहा भैया कि हम परिपथ बना लेते हैं, क्या बनाते हैं परिपथ, इसमें जोड़ लेते हैं स्विच, इधर लगा लेते हैं बैटरी, भैया करंट जाने के लिए बैटरी चाहिए ना, तो ये लगा दिया, यहाँ लगाते हैं ए मीटर ताकि करंट नापेंगे कितना करंट जा रहा है, और परिपथ में लगाते हैं प्रतिरोध, क्या लगाते हैं प्रतिरोध यानी कि चालक, क्या लगा दिए चालक, कोई चालक लगा देते हैं, कोई एक चालक यहाँ पर लगा दिए हैं, और इस चालक में कितना विभवांतर है उसको नापने के लगा दिया वोल्ट मीटर, क्या लगा दिया वोल्ट मीटर। अब सब जानते हैं ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सबको पता है, ये भी एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब जब इन्होंने क्या किया कि एक छड़ चुंबक को यहाँ पे ले गया, छड़ चुंबक को यहाँ पे ले गया, तो चालक से करंट प्रवाहित होने लगा, करंट जब ऑन स्विच ऑन कर दिया, जब करंट जा रहा था तब इन्होंने क्या किया, जब चुंबक को यहाँ पर ले गया कंपास को, तो कंपास हिल रहा था, तो चुंबक को हिलाने के बाद किसमें होगा, चुंबक को कौन हिलाएगा, तार को, तार के बगल में ही चुंबक रखाना था, वो चुंबक हिलने लगा, तो चुंबक को हिलाने के बाद चुंबक में होता है या तो लोहा में होता है, या तो लोहा नहीं तो चुंबक, लोहा तो ये है नहीं तो क्या है चुंबक, चुंबक को हिलाने के बाद चुंबक में ही ना होगा भैया, वही नहीं हिलाएगा उसको, हम चुंबक लटका दिए हैं यहाँ कमरा में, हवा हुआ नहीं है, हम या इसको ले गए, ले आने से हिल रहा है, हम ले गए तो भाग रहा है या खींच रहा है, तो समझ आइए चुंबक है, अगले आने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सही हो सही, तो क्या कहेंगे चुंबक नहीं है, चुंबक और कोई प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आग जलाएं, गर्मी लगी नहीं रही है तो आग कैसे हुआ, आग है ही नहीं है, आग होगा तो गर्मी लगभग करेगा ना भाई, तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने क्या किया कि दिखाया कि देखो भैया ये क्षण हिल रहा है, तो ना ये तो हवा हुआ सही, तो क्या किया तो शीशा में बंद करके कंपास में लगा के ले गया, अब हवा नहीं जा रहा है, अब देख हिले थे ना, तो हाँ तब तो जब हिले थे कैसे चुंबक है तो नहीं हिले, जैसे करंट बंद किया न हिल रहा है, करंट चालू फिर ही नहीं लगा, करंट बंद नहीं हिल रहा है, आप देखो दिखलाओ सबको दिखाया,
अब लोग कहा कि सही मेरे भैया, ये तो हम कभी सोचे भी नहीं किए थे कि जब चालक से करंट प्रभावित होगा तो चुंबक हो जाएगा। पूरी दुनिया को हैरान कर, पूरा दुनिया में एकदम हलचल मच गया, एकदम न्यूज पेपर में, न्यूज पेपर जहाँ जहाँ जो भी सूचना का तंत्र था वहाँ वहाँ तक पहुँच गया सब जगह। उसके बाद इस पंखा उंखा मोटर उटर हेन तेन का इस्तेमाल हुआ है। आज आप जो गाना में सुनते हैं ना लाउड स्पीकर में, कान में मोबाइल के हेडफोन में, उसमें भी चुंबक लगा रहता है। अगर ये नहीं खोजे होते भाई साहब तो आज स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता और डीजे बजा के डांस नहीं करते आप, समझ गया ना। हेडफोन लगा के समझते हैं कि हम एकदम सिंगर का नाना है, तो वही सिंगर का नाना बनाने के लिए भी वही काम किया है वैज्ञानिक। जो लोग ये कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, पढ़ लिख के क्या होगा, अरे भगवान से तू कथी कर रहा है, गाना सुन रही छे। वो जो मोबाइल का आविष्कार कर पढ़ा लिखा इंसान किया है, कान में जो हेडफोन ठूस ले वाले वो कौन बने ले है, पढ़ा लिखा इंसान बने ले है। जो बाइक पर जो घूम के स्टाइल मारे छे वो भी पढ़ा लिखा इंसान बने ले, जो जींस पैंट पहन ले वाले वो भी पढ़ा लिखा इंसान बने ले, वह आविष्कार के लिए सूट किए, वह मशीन का आविष्कार के लिए। तो कहते पढ़ने लिखने से क्या होगा, छोटा शर्म नहीं आता, जो तू खाने से लेकर पीने से लेकर जाने तक जो काम यूज करता है सब वैज्ञानिक ही पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बनाता है। अभी तो बीमार पड़ जाएगा लजवा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही करेगा। कहता क्या होता है, शर्म नहीं आता है कहते हुए, मोबाइल चलाओ ना क्या दिमाग लगाता है। अरे मोबाइल किसने बनाया है, सॉफ्टवेयर किसने बनाया, इंजीनियर बनाता है, इंजीनियर कौन होता है, बिना पढ़े वहीं चलाने वाला बनाया है। पढ़ने लिखने वाला क्या, पढ़ने लिखने वाला दुनिया चलती है। लोग की समझ में नहीं आता पढ़ने लिखने से क्या था, बिना पढ़ने लिखने बहुत अमीर बन गए, वो अमीर बन सकता है, चलाने वाला काम दुनिया का पढ़ने लेना बेचना। अभी कोरोना हो गया था तो सब बदलता पड़ा, ये हो गया वो हो गया, हाय 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 कर रहा था कोरोना मैया भैया, इलाज कौन कराया, इलाज वैज्ञानिक नहीं कर देगा उसका, कौन दूसरा आदमी करेगा, वही चलाने वाला आदमी करेगा, हेडफोन सुनने वाला आदमी करेगा। अरे वो काम करता है जो पढ़ता लिखता है वही ना करेगा इलाज तुम्हारा, वही ना कोरोना से चाहे कोई चीज बीमारी से बचाएगा, आगे चल के कोरोना से भयानक बीमारी आएगा कौन बचाएगा तुमको, कौन बचाएगा, वही लोग बताएंगे जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, रिसर्च कर रहे हैं अभी लैब में, वो नहीं बचाएंगे जो मोबाइल पर जाकर इंस्टाग्राम पर खाली वीडियो बना रहे हैं, वो सब नहीं बचाएंगे, वो तो यूज करना चाहते हैं, उसे उपभोक्ता यूज करना सीखो खाली, तो इंस्टाग्राम पर रील बना के पैसा कमा सकता है, करोड़पति और पति खरबपति बन सकता है, मान सकते हैं, मानते हैं, बना है, बन रहा है यूट्यूब पर फेसबुक पर सब ठीक है, मगर उसको हंसो मत जो तुमको मोबाइल थमा दिया है, उसको हंसो मत जो इंटरनेट बना दिया है, उसी को तुम हंस रहे हो, उसी के एसी में बैठ के तुम खा रहे हवा कर रहे हो, वो क्या किया है। अरे भैया उसको मत हंसो, गलत बात है कि नहीं बताइए, अभी सोच के तुम सब आदमी देखो कि जो जी तुम यूज कर रहे हो, कैमरा से कोनो काम कर रहे हो, मोबाइल से कोनो काम कर रहे हो, बनाया किसने है, एक पढ़ा लिखा इंसान बनाया है, यूज तुम कर रहे हो, अनपढ़ गवार कोई भी यूज करे, मगर बनाया है एक काबिल इंसान ही, इसलिए उसको हंसो मत। अस्टीट साहब का जो यूज हुआ था, अस्टीट साहब ने प्रयोग करके दिखाया था, ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं था, ये पूरे दुनिया को हिलाने वाला प्रयोग था, और बहुत बड़ा उसके बाद आविष्कार सब होना शुरू हुआ था। उसके बाद ही मोटर बना था, उसके बाद जनरेटर बना था, उसके बाद ही लाउडस्पीकर बना था, उसके बाद ही पंखा बना था, उसके बाद ही मोटर पर चलने वाली गाड़ियाँ बनी थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना था, बहुत सारा चीज़ उसके बाद बना था, चुंबक एनालॉग घड़ी बना था, डिजिटल घड़ी बना था, इसके बाद इसके प्रयोग से पहले कुछ नहीं बना था, ये प्रयोग बताने के बाद बताया था, समझाया तब। चलिए आगे देखते हैं क्या है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए, इनके बारे में कुछ विशेष बातों को भी समझिए क्या है, तो अस्टीट साहब का कुछ विशेष बातों को समझते हैं भैया, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या है, क्या कर रहा है। इस प्रयोग को करने के लिए अस्टीट ने 1820 ईस्वी को एक विद्युतीय परिपथ तैयार किया, वही परिपथ जो आपको दिखाया है, विद्युत परिपथ वह होता है जिसे करंट जाता है, विद्युत परिपथ होता है। विद्युत परिपथ में एक तांबे का छड़ लगा दिया लंबत, कहाँ लगाया था आपको हम दिखाए थे, इधर लगाया था छड़, ये प्रतिरोध लगाया था, इसे यहाँ पे बैटरी लगा दिया था, इसे लगा दिया था, यहाँ पे स्विच लगा दिया था, इसे लगाया था, समझ रहे हैं बात को, तो ये छड़ लगाया था, क्या लगाया था यहाँ पे छड़, तो छड़ एक्स्ट्रा लगा दिया था एलम, अगर दिखाने के लिए एलम चुंबक ले आएंगे तो देखो चुंबक खिल रहा है, इसलिए अब क्या किया था, अब उसके बाद क्या किया कि उस व्यवस्था के उस क्षण के समानांतर यहीं पे बगल में वो माने चुंबक में बांध के ऐसे स्टैंड था, वो स्टैंड में ऐसे स्टैंड था, वो स्टैंड में वो चुंबक रस्सी बांध के ऐसे धागा बांध के वो चुंबक को बांध के ऐसे ले गया, अब स्टैंड को यहाँ ले गया, देखा कि भैया इस चुंबक पर हिल रहा है, तो समझ गया कि करंट जा रहा है, जैसे करंट खत्म कर रहा है बंद कर रहा है बस कोई में नहीं जा रहा, तो ये प्रयोग किया। उसके बाद क्या किया, जब चुंबकीय सुई को स्टैंड के सहारे व्यवस्थित करके जब उसके परिपथ के लगे कुंजी को जब ऑन कर दिया गया, मतलब बिजली
माने करंट ऑन कर दिया गया तो धारा प्रवाहित होने लगी, करंट जाने लगा, इससे करंट जा रहा है, चालक का तो करंट जाएगा ना जी, चालक पदार्थ वो होता है जो अपने यहाँ से करंट जाने देता है ना, तो चालक का तो करंट जा रहा था, और जैसे जाने लगा तो ये क्या करना हिलने लगा। अब सुई अपनी प्रारंभिक मतलब क्या हुआ, हाँ जब जाने लगा तो क्या हुआ, हाँ तो चुंबकीय सुई अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, मतलब क्या जब हिला रहे थे तो अचानक रुक जाती है फिर हिलने लगती है, मतलब इसमें हलचल पैदा हो रहा है, किसमें, चुंबक में। तो समझ गया कि ये कुछ ना कुछ तो भैया चारों तरफ बना रहा है, वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तब उन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया बात सही है कि चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। समझ गए, कोई तुमसे पूछे तो बता दोगे, और ये प्रयोग करना आप बच्चों का खेल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी प्रयोग कर सकता है इसको, एकदम सिंपली प्रयोग कर सकता है। एक बैटरी लगाइए, तार जोड़िए इसे, एगो एल्युमिनियम का तार मोटका जोड़ दीजिए, ओकरे बगल में चुंबक ले आइए, पता करते हिलेगा, वो ऑटोमेटिक हिलेगा, कोई नॉर्मल सा प्रयोग कर सकते हैं, करंट में प्रयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता लगा आप हिल गए। उसके बाद चुंबक तो हिले या ना हिले, आप जरूर हिलिएगा, आपका हालत खराब कर देगा। बैटरी से प्रयोग कीजिएगा, बैटरी में ज़्यादा झटका नहीं आता है, निपो बैटरी में क्या झटका आएगा, क्या मेरा चुनचुनाएगा, ठीक है ना। बड़का बैटरा में भी नहीं कीजिएगा ना, तो वो हिला देगा आपको, धरती धरा देगा आपको तुरंत। बड़का चुंबक को भी कम नहीं समझे, बड़का बैटरा में बहुत पावर होता है। देखिए वो नेक्स्ट, अब है आशीष साहब का समझ का नियम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। जैसे ऑस्टिन साहब ने बताया कि जब किसी चालक में करंट जाएगा तो वह चुंबक की तरह कार्य करेगा, वह चुंबक ही बन जाएगा, यूं कह लो, जब तक करंट जाता रहेगा तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा, जब करंट ऑफ हो गया तो भैया वो तार है, सिंपल। अब जब करंट नहीं है तो तार को छू लो, कोई बात नहीं है, फिर वो वाला तार छूने नहीं जाइएगा, फिर हम बता रहे तार को छू लेने का मतलब छूए नहीं, तो तार को पकड़ लेते हैं तो जब करंट है ये नहीं है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तार है, बट जब करंट जाने लगा तो तार को पकड़ लिए तो चुंबक आप छोड़ा नहीं पाइएगा हाथ को, उसका तो आपका क्या हाल करेगा, समझ रहे हैं। तो वही बात है, चुंबक की तरह काम करेगा, बच के रहिए। इसके लिए ऊपर से प्लास्टिक का कवर लगा के लोग रखता है ताकि हाथ में छटे तो कोई दिक्कत ना हो तार में, ठीक है ना। फिर उसका क्या करता है, लोगों को सिखा दिया जाता है कि भाई भीगे हाथ छूए ना, मतलब प्लास्टिक के कवर से ही बाहर आ सकता, तो एक छेद हो गया होगा तो फिर गया काम से आप भैया ना, तो बहुत सारी बातें होती है, खैर छोड़िए। तब जब उन्होंने ऑस्टिन का नियम दे दिया तब आया क्या, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ये क्या है, ध्यान समझिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में चालक तार को इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो बाकी शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्टेट साहब ने जो प्रयोग किया उसी पे इसको नियम निकाला। ऑस्टेट साहब ने यह प्रयोग किया कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबक होगा, समझ में आ गया। तो मैक्सवेल साहब ने कहा कि जब चुंबक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, कैसे निकालेंगे दिशा, तो उन्होंने एक प्रयोग करके निकाल दिया क्या कि भैया दाहिना हाथ लीजिए, दाहिना हाथ ले लिए, इसमें जो अंगूठा है ना, ये अंगूठा, ये करंट इधर जा रहा है उधर कर लीजिए, तो करंट अभी ऊपर जा रहा है तो हम करंट ऐसे कर लिए, अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, जब मोड़ेंगे ये मोड़ने का जो ऐसे जब मोड़ने का जो ये है यही होगा इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा, ऐसे। इसका मतलब यह है कि अगर यह बोतल मान लेते हैं, बोतल नहीं है, यह एक धातु है और इससे करंट जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर किधर होगा, तो हम औंठा को मान लो नीचे से ऊपर करंट जा रहा है तो हम औंठा को ऐसे कर लिए और ऐसे जब हम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, यानी कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, राइट, ये निकालने के लिए। अगर करंट नीचे जा रहा है तो बस उसे नीचे पर कर लीजिए इसको, तब मुड़िए तब ऐसे हो गया, तब ऐसे ऐसे होगा, आई बात समझ में, दाहिने हाथे करना है, बायां हाथे नहीं करना, दक्षिण माने दाहिना, हस्त माने हाथ, दाहिना हाथ के नियम है, दाहिने हाथ से अप्लाई कीजिए, करने आएगा। तो जैसे एक में करंट बह रहा है तो हम पता करना है कि करंट, हमको पता है कि करंट इधर से इधर जा रहा है तो हमको पता कैसे चला कि चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो फिर बात तारा को पकड़ के करेंगे ना, अरे भैया तार उन्हें काट ही रहेगा, हम इन्हें छू ना करेंगे दादी, हो गया,
वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्या समझ में आया? तार को छू के करेंगे नहीं करेंगे, तार वहां है, हम जान रहे कि करंट ऊपर जा रहा था, समझ गए? ऐसे करेंगे, हो गया ऐसे ऐसे होगा, आता है करंट नीचे जा रहा था, ऐसे ऐसे होगा, तब एना ना होगा, ठीक है ना? ये दिशा निकालेगी। तो दक्षिण हस्त नियम से क्या होता है, किसी चालक में प्रभावित होने वाले, पूछेगा तुमसे कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से क्या समझते हैं, तो लिखिएगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं द मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना? इसमें अंगूठा जो होता है वह विद्युत धारा की दिशा होता है, अंगूठा क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा होता है, और अन्य उंगलियों की मुड़ने की दिशा जो होती है, अन्य उंगलियों के मुड़ने की दिशा को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इतना लिखना पड़ेगा, फिर से याद कर लीजिए, फिर से याद करना है, क्या है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, क्या? चलिए बोलते हैं, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे बने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। इसमें दाहिने हाथ के अंगूठा और शेष उंगलियों को लंबवत रखकर इस प्रकार की अंगूठा विद्युत धारा की दिशा हो तो शेष उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। इतना लिखना पड़ेगा आपको, और ये चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे की ये ऐसे ऐसे छड़ है, अब ऐसे ऐसे है तो ये ऐसे जैसे वही कैसे है, ये छड़ है, जब करंट जा रहा है इधर से इधर जा रहा है तो हम क्या क्या ऐसे ऐसे यानी कि मेरे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है ना? देख रहे ऐसे उठाने खड़ी है तो ऐसे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे आए समझ में? चलो नेक्स्ट क्या है, अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या कि परिनालिका क्या होता है, क्या परिनालिका क्या होता है, तब विद्युत चुंबक भी पढ़ेंगे हम लोग, परिनालिका पढ़ लेते हैं। परीक्षा पूछता है परिनालिका से क्या समझते हैं, बच्चा कहता है परी हो नाली उसे कहते हैं परिनाली, तो दारू पी के नाला में पड़ा हो परिनाली कहते हैं, नाली में पड़ा हुआ तो गलत है। अब सही क्या है सुनिए, परिनालिका को अंग्रेजी में कहते हैं सोलेनोइड, क्या कहते हैं? सोलेनोइड, सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है, जब किसी चालक अचालक खोखले बेलन के ऊपर जब किसी अचालक खोखले बेलन के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो उसे परिनालिका कहा जाता है। सिंपल सी बात है, ये चालक अचालक क्या होता है, जैसे मेरे आपके पास एल्युमिनियम का एक तार है मोटका, क्या तार है आपके पास? एल्युमिनियम का तार है, मोटका एल्युमिनियम का तार है, एकदम पतला पतला वाला नहीं, मोटका तार जो होता है ना, जो पोल पर से लाइन खींचते हुए वाला तार है ना, उसका कवर हटा दिए हुए हैं, कवर क्या हुए हैं? हटा दिए हुए हैं, उसको कर दिया है नंगा तार, कपड़ा हटा दिया उसका ऊपर का कवर जो कहते हैं ना उसको हटा दिए, क्या बोलते हैं उसको, नंगा तार ना बोलते हैं हम लोग, तो नंगा तार को ले लिए। आप क्या कहते हैं? बेलना ले लिए, क्या ले? बेलना समझते हैं ना, बेलन रोटी बनाने वाला बेलन, वही बेलना आप ऐसे ऐसे करके लपेट दिए, यूं यूं करके ऐसे 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 करके लपेट देंगे, तो वो तार इन्हें निकला हुआ रहेगा, तो वो तार इन्हें निकला हुआ, बेलना हटा देंगे, क्या बन जाएगा? परिनालिका। क्या बन गया? स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग जो लपेटल आता है वैसे निकल लपेटल है, बस गोल 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 है ना, एगो तार इन्हें निकला रहेगा, एगो तार उसको क्या कहेंगे? परिनालिका। क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, यही तो है, ऐसे लपेट दिए। अब कह सर परिनालिका कहला पढ़े हैं, तो बहुत आसान बात है बनाना, हम भी बना लेंगे परिनालिका, कहाँ नहीं बना लेंगे, हमको तो खाली तार दे देगा, हाथे पर लपेट लेंगे इसे से, ले रक्षाबंधन भाई ने भाई के कलाई पे तार लपेटा है, परिनालिका बनाया है, ठीक है ना? नहीं तो बस बन गया, हाथ निकाल लेंगे आराम से, बन गया परिनालिका, ये गोल गोल है ना, तो पेनों में बना सकता लपेट के इसे से, नहीं हो जाएगा। तो अब क्या है परिनालिका, होता क्या है भैया, क्यों पढ़ाया गया? परिनालिका से प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह कैसा होता है, वह ऐसा होता है, और यह एक जस्ट लाइक अ छड़ चुंबक, रड
मैग्नेट की तरह काम करता है, और यह चुंबक की तरह काम करने लगता है। कब? जब इसमें करंट दीजिएगा, जब ये वो तार इन्हें निकला है। देखिए ये तार आपके पास है, तरवा को ले गए, ऐसे ऐसे लपेटे, यूं यूं करके लपेट दिए, लपेट दिए है, लपेटने के बाद क्या बन गया? ऐसा बन गया, हो गया, आ गया इधर करिए, हमें जोड़ दिया बैटरी। आज जाइया जैसे करंट मारे हैं में खटा ये कटा कटा करंट जाना शुरू हो गया, यूं यूं करके आया, जैसे करंट एम आई गया, अभी चुंबक की तरह काम कर रहा है। वो भी कहिए चुंबक, जानते हैं छड़ चुंबक की तरह काम कर रहा है, छड़ चुंबक की तरह काम कर रहा है। मतलब इसको चालू कर दें, बगल में यहाँ पे किसी को खड़ा करा दे, जो लोहा का सामान पहले सीधे खींच लेगा, सीधे खींच लेगा वो, इतना पावरफुल है। जितना आप करंट कितना जितना ज़्यादा इसमें करंट बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा पावरफुल इसमें आएगा खींचने का पावर। अगर हम परिनालिका बना दे, उसमें हाई करंट लोड कर देना, तो तोरा तू हो मैग्नेट है, तोरा खींच लेगा सीधे, आदमियों को खींच लेता है। और रोबोट मूवी में देखे होइएगा कि परिनालिका में क्या रोबोट को चिपका दिया गया था, उसे देखो थे रोबोट 2.0, उसमें रोबोट को चिपका नहीं गया था इसे, तो कहते थे ऊपर करंट बढ़ा रहा था, तो वही परिनालिका में छट जाता था, खटाक चिपका हुआ, वो तोड़ रहा खींच रहा, जितना पावर बढ़ाते जा रहा है उतना पावर खींच ले जा रहा है ओकरा, तो वो था आपका परिनालिका। और परिनालिका का उपयोग क्या आता है? सीटी स्कैन करने में। सीटी स्कैन देखा? सीटी स्कैन उसमें नहीं होता है, वो मशीन होता है जिसमें सब जितना लोहा के सामान पहले सब निकाल दो, कान में के नाक में के बाली सब निकाला, और मशीन में थोड़ा बेलनाकार बेल मशीन में धाके घुसा देगा, स्ट्रेचर लेटा के घुसा देगा, इसे घुसाएगा ब्रेन के पार्ट पुर्जा सब कंप्यूटर में दिखाई देगा, ये ब्रेन का पार्ट पुर्जा कौन कौन हिल रहा है, कौन तार का होल है, ब्रेन का पूरा सीटी स्कैन निकाल देगा, पूरा ब्रेन का हर एक पार्ट पुर्जा कंप्यूटर में देख लेगा तुम्हारा, मशीन में जब तक तू रहेगा तब तक दिखते रहेगा, क्योंकि आप निकाला हो गलो ना, कुछ दिक्कत हो ब्रेन में, सब था ठीक ठाक हो, है ना। आज यहाँ डिफेक्टिव होता है भैया है, वो तार हिलल है उसमें के ब्रेन में के, ओकरा जोड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करने के पड़ता हो तभी हो, तो अब ब्रेन के चीरा उसमें के तरवा को जोड़ा, फिर जोड़ जाएगा फिर सीधा ठीक हो रहा, ऑपरेशन बच गलो तो सक्सेसफुल, ना बच लो तो गलो, पेशेंट इज नो मोर, ऐसे नहीं कहेगा, होता है ना, सुनिए कि नहीं सुनिए सब। तो इसका बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, ऐसा नहीं कि ऐसा किसी बना परिनालिका हो गया, अब ऐसा नहीं कि परिनालिका बना के आप प्रयोग करने लगेगा, यूट्यूब पर देख के ऑपरेशन करने लगेगा, भैया परिनालिका है इसमें और चीज़ बनाता है, और भी चीज़ इसमें सिस्टम लगा रहता है। आजकल के बच्चों को होता है कि ये सब प्रयोग भूल कर भी घर पर ज़्यादा ना करें, ये सब प्रयोग जानलेवा भी हो सकता है, इसे प्रयोग को जाने समझे, जब आप लैब में जाते हैं तो लैब में कोई कराए तो करे, और भी जो कराने वाले हैं वहाँ से करे, पहले सीखे उखे तब करे, यानी कि पहले हाथ लगा दे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें परिनालिका के बारे में थोड़ा सा। अरे क्या भैया विद्युत चुंबक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, विद्युत चुंबक क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि विद्युत चुंबक में, अच्छा एक बात और बता देते हैं कि परिनालिका में शक्ति बढ़ाने का 2-3 उपाय है। एक उपाय क्या है कि करंट को बढ़ा दीजिए, परीक्षा पूछता है परिनालिका में विद्युत शक्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसको माने चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ा सकते हैं, चुंबक का गुण ज्यादा कैसे आ सकता है, तो 2-3 उपाय है। पहला नंबर क्या है कि आप करंट बढ़ाइएगा तो चुंबक पावरफुल हो जाएगा, क्या बात, जितना करंट बढ़ले जाइएगा उतने ज्यादा पावरफुल करंट चुंबक बनते जाएगा वो, या तो जितना नंबर फेरा लगाइए, जितना फेरा में लपेटा रहेगा उससे भी पावर बढ़ता है, नंबर ऑफ फेरों पर ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना फेरा लपेटे हैं, और इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी के तार लपेटे हैं, क्योंकि सब तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अब चांदी का तार लपेट के बनाए हैं तो बहुत पावरफुल होगा, हाँ एल्यूमिनियम का बहुत खराब होगा, तांबा का भी छीछा होगा, तो ये देखते हैं ना पंखा उनका जो नाचता है, पंखा जो नाचता है उसमें क्या रहता है, तार लपेटा रहता है ऐसे ऐसे, कॉपर का तार बेंडिंग कर रहता है ऐसे ऐसे, क्वाइल बनाता है, क्वाइल पंखा को खोलिया रहता है ऐसे गोल गोल घूमे रहता है, परिनालिका कक बन रहता है, परिनालिका गुथायल रहता है, तब ना नाचता है, यूं ऐसे थोड़ी नाचता है, कैगो परिनालिका लगल है उसमें, समझ गए, तो ये सब होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप तो ये समझा दिए, अब आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का चलते हैं उस पर, उसका नाम क्या है, विद्युत चुंबक, क्या नाम है, देखिए परिनालिका के अंदर गर्म लोहे के छड़ को रखकर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये नरम लोहे के छड़ चुंबकित क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, और इस प्रकार से बने जो चुंबक होते हैं उसे विद्युतीय चुंबक कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि चुंबक का बनाने का मशीन हो गया परिनालिका, माने परिनालिका क्या है तो चुंबक बनाने का एक मशीन हो गया, बस करना क्या है, परिनालिका बना देना है,
और उससे करंट प्रवाहित करने से पहले उसके चुंबक जो हम परिनलिका बनाएंगे उसके बीच में जगह खाली होगा ना, उसके बीच में लगा देंगे हम लोग नर्म लोहा। क्या नर्म लोहा? लोहा दो तरह का होता है, पक्का लोहा और कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा को कहते हैं नर्म लोहा। क्या कहते हैं? नर्म लोहा को लगा देंगे बीच में। अब उसमें टच ना करे, ऊपर नीचे सीधे बीच में इसे रखल है। ऊपर से क्या है, तार ऊपर से बहुत गोल गोल है, इतना तार इतना गोल गोल है, ऐसे ऐसे है, अब बीच में इसे लोहा लागल है। और ऊपर नलका से जा रहा है करेंट, कैसे जा रहा है? तो ये लोहा का नर्म लोहा जब यहाँ पे लगा दिया गया, ये नर्म लोहा का टुकड़ा बीच में लगा दिया गया, आई पार से आई पार निकल रहा है, ठीक है ना। और जब इसमें करेंट दिया गया, क्या ऐसे कीजिए ना, आपको डर है कि सड़ जाएगा, तो क्या कीजिए, प्लास्टिक का पाइप ना होता है मोटका, क्या पत्थर का प्लास्टिक का पाइप देखा है ना, जो प्लास्टिक का पाइप आता है, वो प्लास्टिक के पाइप के ऊपर लोहा लपेट देंगे, अरे लोहा कहते सॉरी, प्लास्टिक के प्लास्टिक के बेलनाकार जो भाग है उसके ऊपर क्या लपेट देंगे हम लोग, तार लपेट देंगे, उसी से ऊपर नलका बन गया, अब करंट जाने दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए लोहा, प्लास्टिक के अंदर थोड़ी सटेगा, अब नहीं समझे, प्लास्टिक निकाले भी नहीं कि प्लास्टिक रहने दी वही में हो गया परिनलका। और उसमें करंट भेजेंगे तो क्या होगा, ये लोहा को जब निकालेंगे तो ये चुंबक बन गया रहेगा, अब लोहा नहीं है चुंबक है। अब जब लोहा में कोई चीज सटाइएगा तो खटखट सटेगा, चुंबक हो गया है, लोहा है ये नहीं है। तो जितना चुंबक जो बनता है फैक्ट्री में वैसे ही बनता है, चुंबक बनता है फैक्ट्री में वैसा ही बनता है, करंट दे परिनलिका के अंदर नर्म लोहा का रखने पर उन लोहा ही चुंबक बन जाता है। तो इसे कहते हैं क्या, इसको नाम क्या पड़ा उस चुंबक को, किससे बना है, विद्युत से बना है, किससे बना है, विद्युत करंट दिए तब ना बना है वो, तो उसका नाम क्या पड़ा, विद्युत चुंबक। वैसा चुंबक जो विद्युत से बना है विद्युत चुंबक कहलाता है। तो पूरा परिभाषा क्या होगा, तो परिनलिका के अंदर नर्म लोहे का रखने पर वह चुंबकीकृत हो जाता है, चुंबकीय गुण उसमें आता है, और जब निकालते हैं चुंबक की तरह काम करता है, तो ये क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विद्युत चुंबक, समझे ना। चलिए अब आप कहिएगा सर चुंबक, तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जितना भी डीजे बना है लाउड स्पीकर, जितना छोटा हो या बड़का हो, चाहे कान के ईयरफोन से लेकर बड़का का डीजे माफिया डीजे तक हो, उस सब का जो स्पीकर जो है इसी से बनता है, किससे, विद्युत चुंबक से। टेलीफोन है ना, जो किरान होता है, किरान क्या होता है, हुआ कुछ किरान पता नहीं आ रहा, कुछ होगा, हॉर्न वगैरह जितना भी आवाज करने वाला यंत्र है वो सारा यंत्र किससे बनता है, इसी से बनता है, किससे, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक में पावर ज्यादा नहीं होता है ना, कहते ना नेचुरल जो चुंबक होता है उसमें ज्यादा पावर